नमस्कार क्लास, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लाइव ऑनलाइन सेशन ऑफ आईएससी इंग्लिश मीडियम बैच एंड वी हैव टू स्टार्ट विद द यूनिट 5, द कास्ट मूवमेंट, द पिजान मूवमेंट एंड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन द मॉडर्न इंडिया। ओके क्लास, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज पिजान मूवमेंट है। पिजान मूवमेंट में वी विल स्टडी द मूवमेंट ऑफ पिजेंट्स 19th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। ओके, हम इसमें पीजेंट मूवमेंट्स में जो आपके जितने भी इंडिया में आपके कृषक आंदोलन रहे हैं, पीजेंट्स के जो एजिटेशन रहे हैं, वी विल स्टडी वन बाय वन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीजेंट मूवमेंट ऑफ 18th सेंचुरी एंड व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी। ओके, तो इसमें आपके प्रिलिम्स के साथ साथ मेंस बहुत है। ओके, जैसे अभी हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट खत्म की थी और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के पहले दो लेक्चर्स टोटली मेंस थे, तो इसके भी शुरुआत के जो कुछ लेक्चर्स हैं वो टोटली मेंस, चाहे वो यूपीएससी मेंस हो, चाहे वो आपके पीसीएस मेंस हो, चाहे वो लोअर पीसीएस मेंस हो। ओके, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा क्लास, जीएस एक रहती, जीएस डिफरेंशिएट नहीं होती। ओके, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं होती। ओके, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज से यूनिट 5th शुरू हो रहा है। हम पहले वी विल टेक विद द मतलब कास्ट मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, जो कास्ट मूवमेंट, जो इंडिपेंडेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, हाँ, तो कास्ट मूवमेंट जो दो तरह की कास्ट मूवमेंट्स हैं। ओके, एक कास्ट मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस है और एक कास्ट मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस है। तो जो कास्ट मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस है वो आपके यूपीएससी का एरिया है, वो आपके पीसीएस और लोअर पीसीएस का एरिया नहीं है। बट कास्ट मूवमेंट जो प्रायर इंडिपेंडेंस है वो आपके यूपीएससी का तो एरिया है ही है, साथ ही साथ पीसीएस और लोअर पीसीएस और अदर एरियाज, अदर एग्जाम्स के लिए भी है। ओके, तो अब ये आता है कि कास्ट मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो पहला क्वेश्चन उठता है, ध्यान रखिएगा क्लास, आज का लेक्चर थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है, व्हाई इन ब्रिटिश पीरियड ओनली। हाँ भाई, ऑफलाइन एनीबडी, ऐसा क्या था भाई, पहले मुगल्स में क्यों नहीं, टर्क्स में क्यों नहीं, एंशियंट इंडिया में क्यों नहीं, कास्ट मूवमेंट ब्रिटिश पीरियड में क्यों ओनली? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ भाई, कितने ऑनलाइन है टोटल? There are total 29 students who are sitting online. लीजिए 30 आ गए। Okay, there are 30 students sitting online. Okay, and I think there are 18 to 20 students sitting offline. Yeah, and guys, please. Western education can be a reason जिसमें से. Yes, it is. We can say it's not can be, Prajwal. It is the reason, one of the main reason. Okay, it is because of the educational consciousness अब ब्रिटिश पीरियड ने ब्रिटेन ने एक तरीके से यहां इंडिया में मॉडर्न और सेकुलर एजुकेशन लेके आए, क्योंकि अंग्रेज के आने से पहले भारत में मॉडर्न और सेकुलर एजुकेशन नहीं दी जाती थी। एजुकेशन जो होती थी वो रिलीजियस होती थी और सिर्फ एक ही साइंटिफिक चीज थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती थी, दैट इज मैथ्स, बाकी सारी रिलीजियस एजुकेशन होती थी। आपके गुरुकुल्स में मोस्टली वेद और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती थी, अब मदरसों और मकतब्स में मोस्टली आपके मुस्लिम थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, सिर्फ थोड़ा बहुत मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक कॉमन चीज होती थी, मैथ्स थोड़ा पढ़ाया जाता था, बाकी कोई। पर अंग्रेज आए तो अंग्रेज मॉडर्न और सेकुलर एजुकेशन लेकर के आए,
तो उसका क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि क्लास जब ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न स्कूल्स खोले, कॉलेजेस ऑन सेकुलर बेसिस, मतलब सेकुलर बेसिस का मतलब क्या हुआ कि ऑल सेक्ट्स वर वेलकम। एंशियंट इंडिया में इन जनरल या मिडिवल इंडिया में इन जनरल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट तक ही सीमित रहती थी। लोअर कास्ट को यह कहा जाता था कि तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण तुमने इस कास्ट में जन्म लिया है और तुम्हारा इस जन्म में ये ड्यूटी है कि अपर कास्ट की सेवा करो ताकि तुम्हें अगला जन्म अच्छा मिलेगा, यह पढ़ाया जाता था। ओके, अगर आपको नहीं विश्वास है, बिपिन चंद्रा और जो अच्छी किताबें जो इग्नू के एमए के नोट्स पढ़िएगा, उसमें ये सब चीजें क्लियर दे रखा है। ओके, क्लियर कट दे रखा कि पहला क्वेश्चन ये आता है, सब सो सो के ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, कि ब्रिटिशर्स ने अपने जो मॉडर्न स्कूल्स थे वो सभी के लिए खोले, तो पहली बार सारे आपके कास्ट को एक मॉडर्न एजुकेशन मिली। तो जब मॉडर्न एजुकेशन मिलती है तो डेफिनेटली रैशनैलिटी आती है, तर्कवादिता आती है। कहा जाता है ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आता है, विनय मतलब विजडम, विजडम मतलब सोचने समझने की शक्ति, और जिसके पास ये शक्ति है उसके पास कैरेक्टर अच्छा, वो गलत और सही में भेद या विभेद कर लेगा। ओके, तो जब सेकुलर बेसिस पे मॉडर्न स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए तो लोअर कास्ट ने एक तरीके से उनमें कास्ट और क्लान कॉन्शियसनेस बढ़ गई, कास्ट और क्लान कॉन्शियसनेस बढ़ गई लोअर कास्ट में। क्यों? बिकॉज मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जो स्कूल्स की एजुकेशन थी वो इक्वालिटी की बात करती थी, लिबर्टी, ओके, इन जनरल कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और इन्हीं हाई आइडियल्स की बात करती थी, वो सेक्टेरियन नहीं थी। जैसे आपके अर्ली या लेट एंशिएंट पीरियड में ये मेंशन किया गया है कि अगर लोअर कास्ट शूद्र वेद सुन लेता था तो उसके कानों में पिघला शीशा लेड, मॉल्टन लेड डाल दिया जाता शूद्र के कानों में। शूद्र से ये कहा जाता था कि तुम अपर कास्ट के सेवाओं के लिए बने हो, बट व्हेन दोज पीपल when those people receive the secular education, so then they see saw the reality कि जो हमें पढ़ाया जा रहा था वो कितना गलत सलत है। जो उस बार मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ के जो मोस्टली इंस्टीट्यूट हैं, स्टूडेंट भी नहीं जो सिविल सर्विस जानता, तो इंस्टीट्यूट वाले जिसको जैसा भी पढ़ा देते सिविल सर्विस के, जो भैया ये है सिविल सर्विस, अब बच्चा भी इनोसेंट होता, वो बच्चा मान जाता यही सिविल सर्विस, और अंत में वो फिर यूपीएससी के स्टूडेंट से डिफीट हो जाता, चाहे वो अपर पीसेस हो, चाहे वो लोअर पीसेस हो, चाहे वो यूपीएससी हो। ओके, तो द थिंग इज दैट वो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, जागरूकता। जब लोअर पीस, जब लोअर क्लास को एक तरीके से मॉडर्न एजुकेशन मिली, देन दे वर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, तो पहला रीजन ये था एजुकेशन कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या आ जाता है क्लास, मैंने आपको कल ही बता दिया था क्लास शुरू होने से पहले, कल केवल खत्म होने से पहले, कि गाइस यहां पे क्योंकि कास्ट मूवमेंट है तो वी विल टॉक अबाउट दिस ब्रह्मानिकल डोमिनेशन।
तो यहाँ पर्सनल ईगोज थोड़ा किनारे रख लेना, ओके, क्योंकि ये मैं एक दो क्लास में मैंने फेस किया है कि सर कोई कास्ट के खिलाफ है, मैं किसी कास्ट के खिलाफ नहीं हूँ, ओके, ये चीज है और ये इससे आप नकार नहीं सकते, ये ऐसा हुआ है, ब्रह्मानिकल डोमिनेशन, ब्रह्मानिकल डोमिनेशन को ऐसा समझिए, ब्रिटिश पीरियड में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 98% मैं शायद गलत कह रहा हूं, इट इज ऑलमोस्ट 99% आपके जो पोस्ट थी उस पर कौन बैठते थे, ब्राह्मिन्स के साथ साथ अपर कास्ट, ब्राह्मिन्स के साथ साथ अपर कास्ट। तो अब जो लोअर कास्ट पीपल या डिप्रेस कास्ट पीपल हाई स्कूल या ग्रेजुएट होकर के निकले, वैसे तो इनका ग्रेजुएट होना ही बहुत मुश्किल होता था, हाई स्कूल या ग्रेजुएट होकर के निकले, व्हाट दे फाइंड, उनके लिए नौकरियां ही नहीं है, नौकरियों में कौन बैठा है, ब्राह्मिन्स। इस एंगल से आपने देखा ही नहीं होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मिन, गोपाल कृष्ण गोखले ब्राह्मिन, जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मिन, नेशनल मूवमेंट भी तो ब्राह्मिन डोमिनेशन की थी, इसलिए कास्ट मूवमेंट का एक सेक्शन प्रो ब्रिटिश हो गया। इस एंगल से हिस्ट्री नहीं पढ़ी आप लोगों ने, इसलिए कास्ट सेक्शन का सेक्शन एक बार, बिकॉज उनका यह था कि अगर हम पहला तो लोअर कास्ट जैसे ही वो निकलते थे उनके उनके लिए नौकरियां नहीं थी, सारे नौकरियों पर तो ब्राह्मिन्स बैठे, ब्राह्मिन्स ही अपर कास्ट, वैसे उस समय कायस्थ सिविल सर्विसेज में मोस्टली कायस्थ थे, ब्राह्मिन तो आजादी के बाद सिविल सर्विस में डोमिनेट हुए, बट कायस्थ भी तो गाइस अपर कास्ट में आते हैं, ओके, तो ब्राह्मिन्स वाज अपर कास्ट, सारे पोस्टों पे डोमिनेशन था, लोअर कास्ट को जगह नहीं थी। अब जब लोअर कास्ट के पास कोई स्पेस नहीं है तो व्हाट दे थॉट टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को संगठित किया और ऑर्गेनाइज देमसेल्फ का रिजल्ट क्या था, मूवमेंट, आंदोलन। इट इट इज एग्जैक्ट पीरियड, इफ आई एम सेइंग इट इट विल इट समथिंग अराउंड लेट 18th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी टू वी कैन से अबाउट 19 टिल द इंडिपेंडेंस 1947। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टर्स मतलब इट्स ऑर्गेनाइजेशन तो से अबाउट आपके राम मोहन रॉय से ले या लैंड होल्डर सोसाइटी 1836 से शुरू हुआ था, बट कास्ट मूवमेंट इन जनरल जो इंडिया में शुरू हुआ था इट इज समवेयर अराउंड कास्ट जो क्लान ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया था वो 1880s 1890s से शुरू हुआ था, जैसे मद्रास महाजन सभा, नायर सोसाइटी, ओके, ये 1890s 1880s से शुरू हो चुका था। तो क्वेश्चन आता है, मेंस का क्वेश्चन था, व्हाट वर द फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ कास्ट मूवमेंट, तो पहला क्या फैक्टर था, एजुकेशन फैक्टर्स था, दूसरा क्या था, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन फैक्टर था, ओके। अब जहां पे ब्रह्मानिकल डोमिनेशन, आप समझो क्लास इस तरीके की चीजों में आपको सिर्फ एनालिसिस ही है, दैट्स मैंने कहा ना आज का आधे ज्यादा लेक्चर क्लास मींस ओरिएंटेड है, ओके। अब ब्रह्मानिकल डोमिनेशन, तो मैंने जैसे आपको कहा नेशनल मूवमेंट किसके अंडर में थी, ब्राह्मिन्स, गांधी जी वॉज अपर कास्ट, नेहरू वॉज अपर कास्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अपर कास्ट, देन गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, देन लोकमान बाल गंगाधर तिलक, सब डोमिनेशन अपर कास्ट का डोमिनेशन था। तो ब्रिटिशर्स ने अगेन डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट निकल गया है, कास्ट अगेंस्ट कास्ट क्या हुआ, कर्जन ने 1901 से कास्ट सेंसस का नाम शुरू, कास्ट वर्सेस कास्ट, इंडिया जितना ज्यादा इंडियंस जितना ज्यादा डिवाइडेड होंगे उतना हमें रूल करने में आसानी होगी, डिवाइड एंड रूल। जब कास्ट सेंसस आया तो लोग देखने लग गए कि किसकी जाति पिछड़ी है, ब्रिटिशर्स ने कहा भाई
अब ब्राह्मिन्स की नहीं, अब इनके इनको हम रिजर्वेशन देंगे। समझ में आया क्लास? ओके, तो अब 19, अब ब्राह्मणिकल डोमिनेशन से जब लोअर कास्ट ब्राह्मिन ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए, तो ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली सपोर्टेड द कास्ट मूवमेंट ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली सपोर्टेड द कास्ट मूवमेंट व्हाई? बिकॉज वो जो कास्ट मूवमेंट थी वो कहीं ना कहीं इट विल वीकन, यू आर 15 मिनट्स लेट आस्था, वीकन द वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो कास्ट मूवमेंट थी वो नेशनल मूवमेंट को वीक कर रही थी और ब्रिटिशर्स के रूल को और मतलब स्ट्रेच्ड कर रही थी और उसको स्ट्रॉन्ग बना रही थी। इसीलिए तो कर्जन ने 1901 में कास्ट सेंसस शुरू कर दिया और इसीलिए आजादी के बाद भारत में कितने कास्ट सेंसस हुए हैं? 51 सिर्फ एक हजार वन हुआ कास्ट सेंसस। लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ है? 2011 में सर। 2011 उससे पहले लास्ट कास्ट सेंसस 1951 में हुआ था। लास्ट कास्ट सेंसस 1951, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ था, उसके बाद 2011 में हुआ था। 1941 सॉरी लास्ट कास्ट सेंसस 1941 में हुआ था, उसके बाद 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था। कास्ट सेंसस जैसे ही भारत आजाद हुआ सरकार ने कास्ट सेंसस एक तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि कास्ट सेंसस सरकार का जो मानना है कास्ट सेंसस डिवाइड क्रिएट करता है और सरकार को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करता है। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, जिसे मैंने आप पुराने स्टूडेंट्स तो जानते होंगे, उनको मैं एक बार समझा चुका था, नए स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत है। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, अब तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया रिजल्ट? कास्ट सेंसस कहां रिजल्ट डिक्लेयर? अभी अपोजिशन पार्टीज कह भी रही है कास्ट सेंसस डिक्लेयर करो, सरकार नहीं करती। एनी रीजन? कास्ट सेंसस के आंकड़े नहीं रिलीज हुए सर, बाकी आंकड़े रिलीज होकर कास्ट सेंसस आंकड़े सरकार का ऊपर हाथ है उसका। क्यों? डिवाइड्स रियल, आपको आपको रियल पिक्चर बताता हूं कास्ट सेंसस की। जब कभी कास्ट सेंसस होता है गाइस, देखो ये सब चीजें, ये जो चीज बता रहा हूं ये आप एसे में भी लिख सकते हो अपने पॉइंट्स में, या इंटरव्यू में हो सकता पूछा जाए गवर्नमेंट ने क्यों नहीं अब तक कास्ट सेंसस के आंकड़े। कास्ट सेंसस 2011 में किसी गवर्नमेंट थी? यूपीए की सरकार। 2011 में सेंसस हुआ, दो साल के अंदर फाइनल आंकड़े आ गए थे। 2013 में भी यूपीए की सरकार थी, तब भी उसने नहीं किया, और 14 से एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार ने भी नहीं रिलीज किया। इस एंगल से चीजें आपने नहीं देखी होंगी। जब कभी भी कास्टिज्म शुरू होता है, कास्ट का राइज होता है, तो गाइज नेशनल लेवल की पार्टीज आर द लूजर्स एंड द रीजनल लेवल पार्टीज आर द गेनर्स। याद करो जब आपके मंडल केस हुआ था, मंडल केस 1992 में जब मंडल केस का शुरू हुआ था, मंडल केस मतलब मैं मंडल केस पूरा, जब मंडल का पैराफिनेलिया हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया था, तो उसके बाद कितने नेता उभर के आए? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ओके, देन आपके रामविलास पासवान, मायावती, इन लोग ने गेन किया। लूज किसने किया? कांग्रेस। पहले उत्तर प्रदेश में किसका राज होता था? कांग्रेस का। 1991 के बाद किसका राज हुआ? मुलायम सिंह राज यादव या मायावती, इनके बगैर सरकार ही नहीं बन सकती थी। तो जब कभी समाज कास्ट पे डिवाइड होता है ना, तो रीजनल पार्टीज हमेशा गेन करती हैं और नेशनल पार्टीज हमेशा सफर करती हैं। तो कांग्रेस वॉज मतलब एक्सपीरियंस पार्टी, उसने नहीं डिक्लेयर किया, एंड सो वॉज द बीजेपी। रीजन यही है कि समाज डिवाइडेड होगा, हम नहीं करेंगे। बट रियल रीजन यह है, अगर एक बार डिवाइड हो गया तो नए लीडर्स खड़े हो जाएंगे। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वो लीडर बन जाएंगे, वो कहेंगे कि हमारे समाज को तो नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे समाज को नौकरी दो। सरकार कितनी नौकरियां देगी या कितने रिजर्वेशन कराएगी?
वैसे ही जैसे आपने सुन रखा होगा ईडब्ल्यूएस कोटा पे कई लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ईडब्ल्यूएस कोटा किस बेस पे आपने, और इतना लंबा कोटा 8 लाख रुपए सालाना का कोटा किस तरीके से डिसाइडेड होता, तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ओके तो आजादी के बाद इसलिए कास्ट सेंसस नहीं हुआ, और जो एक बार कास्ट सेंसस हुआ भी 2011 को, उसका डेटा नहीं पब्लिश किया गया। वो एक्चुअली क्या था कि जो सिंपल बात है, जो 1992 के बाद जो मंडल का एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ कि उससे बेनिफिशियरी कौन हुए, हम आपका टेस्ट क्यों लेते हैं हर संडे, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको गेन कितना हो रहा है वो हम देख पाए, तो इसलिए कास्ट सेंसस लेना पड़ा। कास्ट सेंसस ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि राइट फॉर और अगेंस्ट कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस फॉर है कि हमें मालूम तो होना चाहिए, जो सरकार जितना बैकवर्ड क्लास के लिए कर रही है प्रोग्राम पॉलिसी चला रही है उससे बैकवर्ड क्लास कितना फायदे में आ रहे हैं, पॉजिटिव चीज। नेगेटिव चीज, नए लीडर्स आएंगे, नई बार्गेनिंग होगी, आप समझते हैं बार्गेनिंग, तो समझते हैं ना कि हाँ, जैसे आजकल यूपी में चुनाव हो रहा है, हर कास्ट की अपनी अलग पार्टी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपने अगर न्यूज सुनते होंगे तो हर कास्ट की अलग पार्टी है, एंड दीज पार्टीज आर बार्गेनिंग विद द नेशनल पार्टी और द मेजर रीजन, सपा कांग्रेस बीजेपी के साथ बार्गेन हो रहा है कि हम आपके साथ सीट बनेंगे, नॉल दोस्त। व्हाट माय पॉइंट, ओके। तो अब ब्रिटिशर्स ने कास्ट मूवमेंट इसलिए सपोर्ट किया कि बिकॉज वो नेशनल मूवमेंट को वीक करेगी। अब कास्ट मूवमेंट इन जनरल सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, वाई, टू गेट सम फेवर फॉर देयर कास्ट, टू गेट सम फेवर फॉर देयर कास्ट। तो कास्ट मूवमेंट एक तरीके से नेशनल मूवमेंट के एक तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी थी। जैसे जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी वॉज ए टोटली प्रो ब्रिटिश पार्टी। ओके तो अब एक और फीचर रहा है, ये चीज क्लियर हो गई ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चीजें क्लियर हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यस गाइस। सर, हाउ कास्ट मूवमेंट एनकरेज्ड लोअर कास्ट पीपल टू चेंज देयर रिलीजन ऑल टुगेदर? हाउ कास्ट मूवमेंट, हाउ लोअर लाइक हाउ इन द कास्ट मूवमेंट, हाउ लोअर कास्ट पीपल वर एनकरेज्ड टू यू नो चेंज देयर रिलीजन ऑल टुगेदर? चेंज देयर रिलीजन, कास्ट मूवमेंट इनकरेज, सी इसमें हम देखेंगे, यस ओके, वेल वी विल टेक दिस थिंग इन दिस चैप्टर ओनली, when I will see, when I will take the Tamil Nadu caste movement. Even Mundas in the northeast. Especially the Periyar movement. A Periyar movement, ये extreme caste movement थी Periyar movement. इन्होंने क्या किया? They totally divorced from the Hindu religion. पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर जिनका पूरा नाम था, ओके, उन्हें पॉपुलरली नाम पेरियार कहा जाता था, वो क्या करते थे, हिंदू गॉड की आइडल को बीच में रखते थे और उनको जूते की माला पहनाते थे, जूतों से मतलब स्ट्राइक करते थे हिंदू गॉड्स को, जस्ट टू शो देयर टोटल सेपरेशन अगेंस्ट द हिंदुइज्म। उनका यह था कि इट इज बिकॉज ऑफ द आर्यन डोमिनेशन द होल वेस्टर्न, द होल फैब्रिक इन तमिलनाडु इज डिस्ट्रॉयड। We all know, आज भी हम जानते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में आइदर यू आर ब्राह्मिन और यू आर बैकवर्ड। ये तो आपने भी इतना पॉलिटी में पढ़ रखा है, वहां 69% रिजर्वेशन है, ओके। बल्कि वो लोग वहां के, अगर जो इस समय स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो ये एडवोकेट कर रहे हैं कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां आइदर यू आर ब्राह्मिन और यू आर बैकवर्ड। वहां जैसे उत्तर, अब इससे एक और पॉइंट क्लियर होता है, why caste movement was not started in
नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में कास्ट मूवमेंट क्यों नहीं शुरू, दक्षिण भारत में क्यों शुरू, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत, आप महाराष्ट्र से आते हैं पश्चिम भारत से शुरू, उत्तर भारत में क्यों नहीं शुरू हुई, क्योंकि दक्षिण भारत साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में या जैसे महाराष्ट्र का, यहां पे कास्ट हायर की बहुत ज्यादा थी, एक्सट्रीम थी, और नॉर्थ इंडिया में देयर वर सम बफर कास्ट, नॉर्थ इंडिया में सम बफर कास्ट थे, जैसे ठाकुर, अदा क्षत्रिय, कायस्थ, ये सारे के सारे अपर कास्ट थे जो कि ब्राह्मण डोमिनेशन को हमेशा निगेट करते थे, तो नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण डोमिनेशन कभी उतना सॉलिड नहीं हो पाया, पर साउथ इंडिया में ब्राह्मण डोमिनेशन रहा क्योंकि वहां पे कोई बफर कास्ट नहीं थे, समझ में, बफर कास्ट समझते हैं, आज भी नॉर्थ इंडिया में जैसे ठाकुर है, आपने सुन रखा होगा उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर साहब के लिए ये कहा जाता कि हर जगह ये उनका सरनेम नेगी है, योगी जी का सरनेम बिष्ट है, ओके बिष्ट है, तो वो प्रो ठाकुर को प्रमोट करते, ये एक एलिगेशन लगाया जाता, कहता कहा जाता है, तो मतलब नॉर्थ इंडिया में कई ऐसी कास्ट थी जो ब्राह्मण डोमिनेशन के अगेंस्ट काम करती थी, साउथ इंडिया में आइदर यू आर ब्राह्मण्स और यू आर बैकवर्ड, तो साउथ इंडिया में ब्राह्मण डोमिनेशन प्रोमिनेंट था, जब ब्राह्मण डोमिनेशन प्रोमिनेंट था तो उसके लिए एक्टिविटीज भी कास्ट मूवमेंट, समझ में आया क्लास, अच्छा बच्चे वेटिंग, ओके जस्ट कास्ट इमर्जेंस ऑफ कास्ट मूवमेंट इन इंडिया, इमर्जेंस ऑफ कास्ट मूवमेंट इन इंडिया, इमर्जेंस ऑफ कास्ट मूवमेंट इन इंडिया, कास्ट मूवमेंट्स वर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लार्जर नेशनल एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लार्जर नेशनल और ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियन पीपल, लार्जर नेशनल और ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन पीपल, फर्स्ट ऑफ दे वर एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक अवेकनिंग ऑफ द लोअर कास्ट, डेमोक्रेटिक अवेकनिंग ऑफ लोअर कास्ट देयर ग्रोइंग कॉन्शियसनेस of their basic human rights, their lower caste, first of their growing consciousness of their basic human rights was part of general national democratic awakening, was part of general National Democratic Awakening. Their growing consciousness of their basic human rights was the part of general National Democratic Awakening. General National Democratic Awakening. Clear है? और भी जैसे reasons हैं कास्ट मूवमेंट के राइज के, अब तक हमने तीन रीजन डिस्कस किए, मॉडर्न कम्युनिकेशन, ब्रिटिश ने मॉडर्न कम्युनिकेशन के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कनेक्टिविटी इंक्रीज की, अब कनेक्टिविटी इंक्रीज की तो पीपल मूव किए, और जब पीपल मूव किए तो उन्होंने देखा सफरिंग एक जैसी है, वेस्टर्न इंडिया में भी सफरिंग है, साउथ इंडिया में भी सफरिंग है, नॉर्थ इंडिया में भी दलित
या लोअर कास्ट सफरिंग है. तो अगेन मतलब क्वेश्चन जो सर मेंस में बनता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ कास्ट मूवमेंट. तो पहले आप एजुकेशन का लिखेंगे, फिर ब्राह्मण डोमिनेशन लिखेंगे, फिर आप मॉडर्न कम्युनिकेशन. मॉडर्न कम्युनिकेशन पहले मत लिख दीजिएगा गाइस. ओके, वो ये सब आपके सन्डरी फैक्टर्स. अब इसका एक और फैक्टर आता है, कास्ट मूवमेंट का जो इंपैक्ट है, कास्ट मूवमेंट का इंपैक्ट है, उस कारण में भी कास्ट मूवमेंट्स में हमें एक यूनिकनेस दिखती है. चलिए क्वेश्चन से ही पूछ लेते हैं, मेंस का है. What do you understand by Sanskritization and how it affected the caste movement? So total 34 plus 16, 50 students बैठे हुए हैं. तो कोई आंसर? हाँ भाई प्रज्वल अवस्थी. संस्कृताइजेशन से, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं और इसने जातिगत आंदोलन को किस तरीके से प्रभावित किया? Anybody? ध्यान रखना क्लास. हाँ बस बोलिए. Yes. आप तो रिवाइज कर रहे हो ना, लेट द अदर पीपल थिंक. आप तो ये सब चीज लास्ट टाइम पढ़ चुके हो. ओके, डोंट मैं नए स्टूडेंट से चाहता हूँ, उनका ये सब चीजें तो रिवीजन का है. आप फिलहाल हर्षिता आपके लिए मैं कहूंगा टेस्ट के लिए थोड़ा अच्छी तरह प्रिपेयर करिए. आई एम नॉट हैप्पी विद योर मार्क्स. ओके, ये तो चीज आप वही चीज बता रहे हो जो मैंने आपको बताई थी लास्ट ईयर. ओके, एनीबडी एल्स? और ध्यान रखना क्लास, आप लोग में से जिन जिन का भी लोअर पीसीएस मेंस है, आपकी लड़ाई आईएएस एस्पिरेंट से होगी. हमारे यहाँ अब तक 10 लोग लोअर पीसीएस सिलेक्ट हो चुके हैं और 200 के 200 आईएएस की तैयारी कर रहे थे. मैंने आपको पहले भी बताया क्लास, आईएएस के एस्पिरेंट्स इस तरीके से होते हैं, आपको हर जगह डिफीट करेंगे. तो जब तैयारी करनी है तो उस लेवल की तैयारी करनी. ओके, टोटल हमारे यहाँ से प्रॉपर पीसीएस में 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं. 7 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट अतुल भंडारी को छोड़ करके बाकी 6 स्टूडेंट्स आईएएस की तैयारी कर रहे थे. 10 स्टूडेंट हमारे लोअर पीसेस सिलेक्टेड हो चुके हैं जो अब तक के, उनमें से 10 के 10 आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने लोअर पीसेस निकाल दी. तो ये मत सोच, तभी मैं कहता हूं ये मत सोच करना लोअर पीसेस है, कम कम लिखेंगे, हमें तो कम कम नॉलेज चाहिए. लड़ाई तो भैया यूपीएससी एस्पिरेंट से ही होगी. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभिलाष गैरोला, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो, जो इस समय कोट द्वार में लैंसडाउन में एआरटीओ हैं, लोअर पीसेस सिलेक्टेड लास्ट 2018 या 19 जब रिजल्ट आया था. ही इज 2 टाइम्स आईएएस इंटरव्यू फेस्ड, असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड ट्रेनिंग ली, छोड़ दिया पीसीएस इंटरव्यू फेस्ड और लोअर पीसेस सिलेक्टेड. तो गाइस ऐसे लोग कॉम्पिटिशन को ऊपर ले जाते हैं. तो तैयारी अगर चाहें आप लोअर पीसेस की, दैट्स व्हाई मैं बार बार कहता हूं जीएस क्लास एक जैसी ही होती है. जीएस में डिफरेंस बेवकूफ लोग करते हैं. जीएस में अगर आप डिफरेंस कर रहे हो तो आप भी उन्हीं कैटेगरी में आते हो. जीएस एक जैसी क्योंकि कंपटीशन में जो आप लिखोगे ना, जो एनालिटिकल स्किल्स ऊपर जो यूपीएससी वालों के कैंडिडेट्स के होंगे वो एनालिटिकल, सिंपल बात है क्लास, कंपटीशन में जिसने सबसे बढ़िया आंसर लिखा मार्क्स उसको मिलेंगे. वो ये नहीं देखेगा कि हाँ ये एक्सक्लूसिवली लोअर पीसेस का है, ये एक्सक्लूसिवली पीसेस का है, अच्छा ये तो आईएएस का स्टूडेंट है. जिसने सबसे बेटर एक्सप्रेस किया मार्क्स उसको मिलेंगे. ओके, तो अब ये संस्कृताइजेशन क्या है? संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन लोअर कास्ट इमिटेट द अपर कास्ट मेथड्स In order to increase their social mobility. थोड़ा सा confused हो गए होंगे आप लोग. ओके, ये क्या है? When lower caste imitate the upper caste method. आप लोग में से ये संस्कृताइजेशन को तब आप फील करोगे जब आप लोगों की मैरिज होने वाली होगी. ओके, अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो. ओके,
तो पेरेंट्स कई बार बोलते हैं, ओ ये असली वाले नहीं है, ये नकली वाले हैं, ओके ये असली वाले शर्मा नहीं है, नकली वाले शर्मा है, ओके तो जो असली वाले शर्मा है या नकली वाले शर्मा है, तो जो नकली वाले शर्मा है वो संस्कृताइजेशन वाले शर्मा है। मतलब सपोज मैं, मतलब ओरिजिनली मैं लखनऊ का हूँ, यूपी का हूँ, ओके मेरे सारे चीज, मतलब मेरी स्कूलिंग लखनऊ में हुई, ओके मैं 98 में यहाँ आया, जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश में आया, यहाँ आया, ओके तो मेरा कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं रहता, मेरे सारे रिश्तेदार लखनऊ के, ओके तो मैं दो, आई एम अ जनरल, आई एम अ सक्सेना, ओके आई एम अ कायस्थ, मैं निशीत शर्मा लिख लूं या निशीत शुक्ला लिख लूं, किसी को क्या पता, ओके फिर मेरे बाद मेरे बच्चे भी शुक्ला लिखने लग जाएंगे, उनके बाद उनके बच्चे भी शुक्ला लिखने लगेंगे, क्या हुआ, कायस से मैं ब्राह्मण बन गया, इसे कहते हैं संस्कृताइजेशन। तो कास्ट मूवमेंट में आप देखोगे ये भी एक खूबी थी, कई लोगों ने एक तरीके से संस्कृताइजेशन के थ्रू अपना कास्ट हायरकी बढ़ा ली इसे। और ये क्लास यू, ये ध्यान रखिएगा, इफ यू चेक द यूपीएससी पीवाईक्यू, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स में, संस्कृताइजेशन प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है। वैसे ये मेंस का टॉपिक है, पर यूपीएससी तो गाइस यूपीएससी, वो मेंस से प्री का पूछता है, प्री से मेंस का पूछता है क्वेश्चन, ओके तो ये संस्कृताइजेशन वाला टॉपिक आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन चुका। तो कास्ट मूवमेंट में एक संस्कृताइजेशन वाला फीचर भी दिखता कि जहां लोअर कास्ट, भाई सिंपल बात है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको जब षोडश महाजनपद पढ़ा रहा था, 16 महाजनपद पढ़ा रहा था, तो हमने आपको चार कास्ट बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण तो ऑब्वियसली क्लास ब्राह्मण डोमिनेशन में सबसे टॉप पे थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे। वैश्य का दुख दर्द ये था, वैश्य का दुख दर्द ये था कि उनके पास पैसा तो था पर सोशल स्टीम नहीं थी, तो इसलिए देवर दे लेफ्ट ब्राह्मण डोमिनेशन एंड दे ज्वाइन जैन प्लस बुद्धिज्म, बिकॉज जैन बुद्धिज्म में ये कास्ट हायरकी को नहीं माना जाता। आज भी देख लो सबसे ज्यादा जैन जो हैं वो मारवाड़ीज और आपके बिजनेस कम्युनिटी है, जैन मोस्टली बिजनेस कम्युनिटी, आज भी बिजनेस कम्युनिटी है, ओके तो वही चीज इस कास्ट आपके कास्ट मूवमेंट में भी दिखता। कास्ट मूवमेंट में कुछ कास्ट ने तो अपनी एक्सक्लूसिवनेस जारी रखी, कुछ कास्ट ने सोशल मोबिलिटी की लैडर पे अपर चीजों को लाने के लिए क्या किया, संस्कृताइजेशन कर लिया। संस्कृताइजेशन मतलब जैसा अपर कास्ट करते हैं वैसे ही हम भी करेंगे, उन्हीं के मेथड्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया ना क्लास, ओके तो ये एक अनदर फीचर है कास्ट मूवमेंट का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस। जैसे आपने बताया है संस्कृताइजेशन, लोग अपना अपग्रेड कर लेते थे सोशल मोबिलिटी के लिए, तो लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेते, जैसे सर आपने अपना एग्जांपल दिया कि मैं तो यही बात है ना, ये देखिए समझिए रुचिका जी, आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो जहां पे आप सोशल मीडिया से लेके कुछ भी मीडिया है आप आज छुपा नहीं सकते कुछ भी, पर हम बात कर रहे हैं 18th और 19th सेंचुरी की, जहां जब भारत आजाद हुआ था, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ था तो आप चेक कर सकते हैं भारत में 7% ही लिटरेसी थी, 1947 में आसपास भारत में 7% लिटरेसी थी, तो भारत में 93% लोग अनपढ़ थे, तो उसमें सोशल मोबिलिटी कौन देखता। आप एक शहर से दूसरे शहर गए, एक प्रदेश से उत्तर प्रदेश से आप गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी गए, कौन ध्यान रखता है कौन है आप। लेकिन सर लोग इतना माइग्रेट भी तो नहीं करते थे, एक ही जगह पे पीढ़ी रहती, कुछ करते तो थे ना, रेलवे तो थी ना, रेलवे थी, कम्युनिकेशन थे, बसेस थी, माइग्रेट करते थे, इंडस्ट्री एरिया में माइग्रेट करते थे, तो दैट्स व्हाई मैं ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है रुचिका जी की संस्कृताइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, पर फीचर तो था ही ना। गॉट माई पॉइंट? गॉट इट। ओके क्लियर है ऑफलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर है ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स? और क्वेश्चन तो नहीं है सर? जो ये संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है सर, ये मंडल कमीशन के बाद पूरा रिवर्स हो गया ना,
हाँ यस वेरी गुड एक्सीलेंट एंड गाइस श्वेता उपाध्याय टॉप द टेस्ट लास्ट टेस्ट ओके मंडल कमीशन के पास ये संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट रिवर्स हो गया। अब हर कोई चाहता है कि हम बैकवर्ड। इंफोसिस के हेड ने एक बार आर्टिकल लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें लिखा था वो देश कैसे आगे प्रोसेस करेगा आगे बढ़ेगा जहां हर कोई कह रहा कि हम बैकवर्ड हमें रिजर्वेशन चाहिए। बहुत बढ़िया आपने टॉपिक पॉइंट उठाया। मंडल कमीशन के बाद संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट रिवर्स हो गया। और गाइस मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसे ही स्टूडेंट ना मेरिट को ऊपर कर देते हैं। दैट्स व्हाई मैंने यू नो कंपटीशन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अपना बेस्ट तैयार करके जाओ क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका बगल वाला तैयारी कितना है वो कितने घाट का पानी पी के गया है। ओके अपनी तैयारी आपको बहुत जबरदस्त रखनी पड़ेगी। मंडल कमीशन के बाद संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट रिवर्स हो चुका है। अब हर कोई क्या चाहता है हमें बैकवर्ड में ले लो। जाट्स कहते हैं हम बैकवर्ड है। 2014 में यूपीए सरकार ने जाट को बैकवर्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जाट किस तरीके से बैकवर्ड है, जाट बैकवर्ड नहीं है। पर फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जाट को स्टेट गवर्नमेंट में बैकवर्ड कर लिया। ओके तो अब संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट रिवर्स हो चुका आफ्टर मंडल कमीशन। हर कोई चाहता कि हम बैकवर्ड है। पर अर्ली So you are not audible. Write next paragraph. Likhe class. The caste movement were fundamentally the movement to achieve mobility, the movement to achieve mobility on the part of the groups, on the part of the groups which lagged, on the parts of the group which lagged, LAGGED, lagged behind the Brahmins in westernization. Lagged, LAGGED, lagged behind the Brahmins in westernization. Thus, the idea of equality was inherent in the movement. The ideas of equality was inherent in the movement and they were inevitable secular movements. Inevitable secular movements. First of all, they made assault on Brahmins' cultural and social predominance. They made assault on Brahmin cultural and social predominance and exclusiveness. और ये फीचर गाइस किस एरिया में ज्यादा कंसंट्रेटेड था? साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में। इसलिए कास्ट मूवमेंट साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में शुरू हुई। वही रीजन है कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में क्यों शुरू हुई, सेम रीजन है। नॉर्थ इंडिया में उतना ज्यादा कास्ट ऑर्थोडॉक्सी नहीं रही क्योंकि यहां कई, जैसे मैंने बोला, बफर कास्ट है, पर साउथ इंडिया में कास्ट ऑर्थोडॉक्सी ज्यादा है। आइदर यू आर ब्राह्मण्स और यू आर बैकवर्ड। तो भगवान की पूजा सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट का अधिकार था, मंदिर में जाना अपर कास्ट का अधिकार था। तो भक्ति मूवमेंट जो शुरू हुई, भगवान सबके हैं, वो आपके अगेन साउथ इंडिया में शुरू हुई। मिडिवल इंडिया का कॉन्सेप्ट मिडिवल इंडिया के हिस्ट्री में देखेंगे। ओके ले क्लास। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन एजुकेशन and in new professions
ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन एजुकेशन एंड इन न्यू प्रोफेशन प्रोवाइडेड बल्क ऑफ स्टिमुलस प्रोवाइडेड द बल्क ऑफ स्टिमुलस फॉर द मूवमेंट फॉर दीज मूवमेंट बल्क ऑफ स्टिमुलस फॉर दीज मूवमेंट एंड दस they were strongest in peninsular and south india thus they were strongest in peninsular and south india where brahmins enjoy and south india where brahmin enjoy preponderance 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 in higher education preponderance in higher education government employment and profession government employment and profession the peninsular india was also the region The peninsular India was also the region where the wide social and cultural gulf existed. Where wide social and cultural gulf existed. Wide social and cultural gulf existed between Brahmins and other caste. Between the Brahmins and other caste. Brahmins and other caste. Next point. In the wake of introduction of new system of education, in the wake of existence of new system of, in the wake of introduction of new system of education, in the wake of introduction of new system of education, comma new political and economic forces which rested on the principle of liberty equality and democracy percolated 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 among the indian masses percolated among the indian masses bhai jo maine kaha tha na secular education jab lower caste ko mili to tark karna shuru kiya kyunki religion jo religious education thi wo to yahi sikha rahi thi na ki aap is जाति में जन्मे हो क्योंकि आपने कुछ पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए थे इसलिए आप इस जाति में जन्मे हो तो इस जाति में आपके जन्म का मेन मकसद क्या है ऊपर जाति की सेवा करना तब आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा ओके अब इस जो हिंदू माइथोलॉजी है या हिंदू की इस जो चीजें हैं इस तरीके का ये इसमें आप पॉजिटिव साइड भी देख सकते हो नेगेटिव साइड भी देख सकते हो नेगेटिव साइड क्या है कि हम हिंदूज इस जन्म में रह करके अगले जन्म की चिंता करते हैं इस कारण से क्या होता है कि जो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया अब तो थोड़ा सा उटोपियन कॉन्सेप्ट आ चुका है एक तरीके से एक आपके उपभोक्तावादी कॉन्सेप्ट आ चुका है ओके यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट आ चुका है ओके उपभोक्तावादी कॉन्सेप्ट आ चुका है बट अगर आप देखा जाए ये एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके ग्रोथ को रोकता है तो हमारे यहां जो रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी वो लोअर कास्ट से यही कहा जाता था कि तुमने अपने कुछ पूर्व जन्म में बुरे काम किए होंगे इस कारण से तुम्हारा जन्म बैकवर्ड क्लास में हुआ तो अगर इस जन्म में अच्छे काम करोगे तो अगला जन्म अच्छा होगा ओके तो जब उन्होंने मॉडर्न और सेकुलर एजुकेशन ली
तो दे वर अवेयर ऑफ कि उनको क्या चीज पढ़ाई जा रही थी एंड दे चैलेंजेस द कॉन्सेप्ट. ये चीज क्या है, जैसे अब हम इसमें बी आर अम्बेडकर के बारे जी के बारे में पढ़ेंगे, तो बी आर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट फर्स्ट हाई स्कूल पास एज वेल एज ग्रेजुएट ऑफ ऑफ हिज कम्युनिटी महार, महार कम्युनिटी के पहले ग्रेजुएट थे अम्बेडकर साहब. ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जो एजुकेशन थी ब्रिटिश ने, मॉडर्न एजुकेशन थी, सेकुलर एजुकेशन थी, जो कि इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी के बेस पे बेस थी. तो जो मैंने अभी आपको बोला था, विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रताम, विद्या से विनय आता है और विनय से कैरेक्टर बनता है. नॉलेज ही हमें रैशनैलिटी देती है, रैशनैलिटी मतलब तर्क करने की क्षमता, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है. ओके, तो जब मॉडर्न एजुकेशन गई, क्योंकि इससे पहले मॉडर्न एजुकेशन एब्सेंट थी, जो एजुकेशन दी जा रही थी वो रिलीजियस दी जा रही थी, और जहां रिलीजन है क्लास वहां तर्क नहीं कर सकते. कहा जाता है ना, रिलीजन के साथ तर्क नहीं कर सकते, रिलीजन को आपको मानना पड़ेगा, तर्क नहीं कर सकते. साइंस में आप तर्क कर सकते हैं कि ऐसा क्यों. ओके, रिलीजन में गणेश भगवान एक पर्टिकुलर डेट दूध पिया था उन्होंने, और साइंस कहती थी सरफेस टेंशन, बट तर्कवादियों ने कहा कि हर दिन सरफेस टेंशन क्यों नहीं होता. ओके, तो आई डोंट नो, आप लोग में से हो सकता है कुछ लोग बहुत छोटे हों, आई थिंक आई वाज इन क्लास 8th or 9th जब ये इंसिडेंट हुआ था. ओके, आई वाज इन क्लास 8th or 9th. इवन देन माय पेरेंट्स आल्सो वेंट टू टू द टेम्पल एंड वो भी उसमें शामिल थे. ओके, तो दैट्स व्हाई, मतलब आप जितना साइंटिफिक एजुकेशन करेंगे तो उतना आप में तर्कवादिता आएगी, ऐसा क्यों, आप क्वेश्चन करना सीखोगे. जितना आप एक तरीके से रिलीजियस बैंड में आएंगे, वो कहते हैं हाँ भाई जो चल रहा था वो चलने दो भैया, पता चला भगवान रुष्ट हो जाए तो, उनकी कृपा हट जाए तो. ओके, तो दैट इज द थिंग. ओके, लिखे क्लास, नेक्स्ट लाइन लिखे. These forces stood contrast to the feudal traditional structure. These forces stood contrast to the feudal traditional structure based on class and caste privilege, based on class and caste privilege and social status, caste privilege and social status and social status, and this inspired socially subdued class. Socially subdued, S-U-B-D-U-E-D, socially subdued class to break through all the shackles imposed on them by the upper caste, Full stop. अब दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, कम्युनिकेशन. ब्रिटिशर्स ने नए रोड्स बनाए, ट्रांसपोर्ट्स बनाई, नए शहर बने. शहर बने तो एक कॉन्सेप्ट आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का. अब इंडस्ट्रीज में कोई कास्ट क्लान के हिसाब से थोड़े ना काम करता है. आपकी अगर काबिलियत है या लेबर की जो है, तो उसमें मतलब एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. तो इन सब चीजों ने
क्लास कास्ट हायरकी के ऊपर पिन पॉइंट किया, जातिगत संरचना के ऊपर एक प्रहार किया। क्लियर है गाइस? ओके लिखे क्लास। मोर ओवर इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, मेड वाइडर लिंक्स एंड कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क मेड वाइडर लिंक्स एंड कम्युनिकेशन मेड वाइडर लिंक्स एंड कम्युनिकेशन पॉसिबल। न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड सोशो इकोनॉमिक प्रमोशन, सोशो इकोनॉमिक प्रमोशन एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कॉमा रूल ऑफ लॉ undermine certain privileges enjoyed by chosen few previously, and certain economic forces like industrialization through open equal opportunities for all and dismantling the social barriers तो ध्यान रखना ये जो पैराग्राफ्स हैं ये एक तरीके से पॉइंट्स हैं। ओके अगर आपके मेंस में आता यू हैव टू कट थ्रू दीज पॉइंट्स। लोअर पीसेस में 100 वर्ड्स आता है, अपर पीस में 250 वर्ड्स आता है, और यूपीएससी मेंस में जैसे अभी आप मेंस का पेपर हुए हैं 250 वर्ड्स और आपके इन जनरल 150 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखना होता है। ओके यू हैव टू कट शॉर्ट द पॉइंट्स। ओके और जैसे आपने देखा होगा प्रीलिम्स में एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी में। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी संस्कृताइजेशन के ऊपर पैराग्राफ लिखे क्लास। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिजायर फॉर सोशल मोबिलिटी आर्टिकुलेटेड थ्रू कास्ट ग्रुप्स। First of the increase horizontal solidarity which occurred with improvement in communication which occurred in improvement in communication enabled allied caste yes Nitin kahan chuta improvement in communication enabled allied caste allied caste caste living over a wide region to move up in the mobility process
to move up in the mobility process. Full stop. The caste movement also gave Philip caste movement also got a Philip, not gave name, got a Philip from the British policy of divide and rule of Philip, F-I-L-L-I-P, Philip. So the British policy of divide and rule, in which census operation played a significant role, First of British policy of classifying caste. British policy of classifying caste on the basis of British policy of classifying caste on the basis of classifying caste on the basis of social precedence. Social precedence. This is C. Social precedence, as recognized by native public opinion, from 1901 census. Provided an opportunity for making claims for social preeminence. Preeminence through caste mobilization. Full stop. अब क्या है? अब जैसे आता है, enumerate the जैसे क्रिटिकली एनालाइज द कास्ट मूवमेंट. क्वेश्चन बनेगा क्रिटिकली एनालाइज द कास्ट मूवमेंट. तो क्रिटिकल जब क्वेश्चन बनता है मेंस में क्रिटिकली एनालाइज द कास्ट मूवमेंट, तो जहां पे क्रिटिकल एनालिसिस है, आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए जातिगत आंदोलन का, तो वहां पे आपको जो निगेटिव पॉइंट है उसको थोड़ा प्रायोरिटी देनी पड़ती है कंपेरिजन टू द पॉजिटिव पॉइंट. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉइंट नहीं लिखे जाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट लिखे जाएंगे, बट नेगेटिव पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करके क्रिटिकली एनालाइज द कास्ट मूवमेंट में अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे तो कास्ट मूवमेंट की वजह से, जैसे मैंने कहा नेशनल मूवमेंट सफर हुआ, कास्ट मूवमेंट की वजह से आपके एक तरीके से जो सोसाइटी है वो सेक्टेरियन में बट गया. कास्ट मूवमेंट बिकेम द रैलिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे लोग सिर्फ अपनी कास्ट के बारे में ही सोचते थे, जो ओवरऑल कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचना था, सिर्फ कास्ट के बारे में सोचना था. उससे क्या हुआ, जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था वो डिले हो गया, क्योंकि जब आप सिर्फ आपकी सोच लिमिटेड होगी तो नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस डिले हो जाएगा. तो ये जैसे सपोज क्वेश्चन बनता है क्रिटिकली एनालाइज द कास्ट मूवमेंट, अभी आपको मैं अलग से लिखवा दूंगा वीकनेस ऑफ कास्ट मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट की क्या क्या वीकनेस रही थी. जैसे I think one point we have missed in the social reform movement, the weakness of social reform movement. I think we did not. Okay, तो कल के टॉपिक में मैं पहले social reform movement की weakness कर लूँगा. This is important for the mains. What are the weakness of social reform movement? चलिए एक question डाल दिए. What are the weakness of social reform movement? पुराने students को छोड़कर कोई और answer देगा? हाँ, मैंने आपको divide हो गया था, communism बढ़ गया था. और what are the weakness of social reform movement? PCS means, lower PCS means, UPSC means, सामाजिक
और धार्मिक आंदोलनों का आलोचनात्मक पहलू क्या रहा, समझाइए। पहला तो यह था कि कम्युनलिज्म बढ़ गया था, कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रिलीजन में ऑर्थोडॉक्स हो गई थी, जब रिलीजन में ऑर्थोडॉक्स हो गई थी तो कम्युनलिज्म बढ़ गया था। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या दोगे, धर्म सभा हिंदुओं का, अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट कहीं ना कहीं आगे चल के मुस्लिम लीग एंड ऑल दोस, ओके। दूसरा था आपके चाहे कोई भी मूवमेंट रही हो उनके विलेजेस तक रीच लिमिटेड थी, ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ शहरों तक कंसंट्रेटेड थी। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पेड ओनली अ लिप सर्विस टुवर्ड्स द वुमेन राइट्स एंड वुमेन इमेंसिपेशन या वुमेन एम्पावरमेंट, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें कही थी, रियल में कोई ताकत नहीं दिया था वुमेन के लिए। वुमेन को जो सही में ताकत मिली वो आजादी के बाद में, समझ में आया क्लास। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं, जैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में हम पॉजिटिव बातें तो बहुत सारी कर सकते, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने ये किया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने हमें कॉन्फिडेंस दिया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने कल्चरल इंफ्लुएंस दिया, व्हाट आर द नेगेटिव फिनोमेना ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ये तीन पॉइंट्स अपने आप में हैं। वैसे कल मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा, जस्ट अभी मेरे को कास्ट मूवमेंट से याद आया कि हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का वीकनेस नहीं की है, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मतलब एग्जाम, ओके। ले क्लास नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, कास्ट एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड ईच एसोसिएशन हैड इट्स एम पीरियड एंड ईच एसोसिएशन हैड इट्स एम ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ हैड इट्स एम ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम सर जो छूट गया दोबारा रिपीट कर लीजिए। हाँ कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कहाँ से छूट आया सर, सोशल इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स, एसोसिएशन हैड इट्स एम ऑफ इंप्रूविंग द सोशल इकोनॉमी इंक्लूडिंग द सर, ईच एसोसिएशन हैड इट्स एम ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, ओके, इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ द कास्ट, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट बिकॉज कनेक्शन गॉट डिस्कनेक्टेड, सोशल इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ द कास्ट विच इज इम्प्लिसिट इन द जनरल स्ट्रगल ऑफ द कास्ट, विच इज इम्प्लिसिट इन द जनरल स्ट्रगल ऑफ द कास्ट, कास्ट फॉर अपवर्ड मोबिलिटी एक लास्ट पैराग्राफ लिख लीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट से थोड़ा रिपीट कर रहा हूं गाइस, उनका कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। मोर ओवर कास्ट बिकेम अ रैलिंग पॉइंट विच गेव राइज टू कास्ट सॉलिडैरिटी, कास्ट बिकेम अ रैलिंग पॉइंट विच गेव राइज टू कास्ट सॉलिडैरिटी, it also gave rise to community along caste lines, it also gave rise to community along caste lines, it also gave rise to community along caste lines, the rationale put forward by the caste leaders was that the rationale put forward by the caste leader was that such communities had exclusive interest, such communities had exclusive interest which suffered at the hands of upper caste, especially Brahmins, which suffered at the hands of upper caste, especially Brahmins. नेक्स्ट हेडिंग डाली क्लास,
कास्ट मूवमेंट इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया या वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया क्लास, जो कास्ट मूवमेंट है वो आपके मोस्टली इस रीजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है कंपेरेटिवली टू द अदर सब कॉन्टिनेंट। व्हाई दिस रीजन? अब क्वेश्चन आता है व्हाई सो, बिकॉज इस रीजन में कास्ट एंड क्लास रिजिस्ट्री हाई पे थी, ब्राह्मण सुप्रीमेसी भी अपने हाई पे थी। ओके, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो इन दोनों को फैक्टर को अगर आप करोगे तो कौन सी थ्योरी आती है? एक्शन एंड रिएक्शन की थ्योरी आती है। द मेन रीजन इज द एब्सेंस ऑफ बफर कास्ट, बफर कास्ट। नॉर्थ इंडिया में आज भी बफर कास्ट है, बिकॉज अब सी इट इज बिकॉज वहां पे इन जनरल शुरुआत से ब्राह्मिन्स को एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त रही है शुरुआत से, मतलब इफ यू टेक फ्रॉम द एंशियंट पीरियड। यहां पे क्या हुआ, ब्राह्मिन जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो रिलीजन आए हैं उन्होंने हमेशा ब्राह्मण डोमिनेशन के अगेंस्ट काम किया। सेम चीज, मतलब अब जैसे सिंस आप